हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग के वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेंगे ही, प्लस आपका अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। नीचे मैंने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो सारी वीडियोज़ को देखते रहिए। और आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। और देखिए दोस्तों, बहुत सारी वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रही है टॉपिक स्टडी चैनल पे, बट आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आप चैनल को बार बार सर्च करके देखते रह रहे हैं, करंट अफेयर की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो, मैथ की वीडियो, सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और रात को 10 बजे, ठीक है, आपका लाइव टेस्ट होगा, तो उसको भी जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर है आपका पहला क्वेश्चन वेन डायग्राम से, और ये 2 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे हैं, और ये 1-2 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेखा चोर, पुलिस और अपराधी के बीच संबंध को सही रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए, किस किस के बीच में हमें बताना है, चोर, पुलिस और अपराधी। देखिए, चोर जो होगा वो अपराधी तो होगा ही होगा, बट पुलिस अलग चीज़ हो गई, ठीक है, चोर और अपराधी से पुलिस अलग चीज़ हो गई। तो इसका मतलब आपको एक वेन डायग्राम ऐसा देखना है कि 2 के बीच में रिलेशन को शो करता हो और 1 को अलग मतलब शो कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे ये 3 को अलग शो कर रहा है, तो इसको हटा देंगे। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपका ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चोर अपराधी और कुछ अपराधी चोर, या फिर कुछ वाली कंडीशन इसमें नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सभी के सभी चोर अपराधी होंगे, तो सभी वाली कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ये वाली भी आपका आंसर नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे होगा, इसको देख लेते हैं। भाई देखिए, ये हमने मान लिया ये चोर है, सभी के सभी चोर आपके अपराधी होंगे, और ये आपका पुलिस का वेन डायग्राम अलग से शो हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ट्राई करते रहा करें आप भी, और कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते रहा करें। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेखा अपराधी, पॉकेटमार और आगजनी करने वाले के बीच सर्वाधिक सही संबंध को दर्शाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपराधी पॉकेटमार, तो अपराधी पॉकेटमार तो एक दूसरे को मतलब रिलेट कर सकते हैं, और आगजनी भी एक, ये मतलब तीनों के तीनों एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। तो कोई भी वेन डायग्राम अगर आपको ऐसा शो करता है कि इन तीनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो उसको तो सबसे पहले कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अपराधी जो होगा वो पॉकेटमार भी हो सकता है और वो आगजनी करने वाला भी हो सकता है, ठीक है। आप इस चीज़ से मतलब सहमत है ना भाई, एक अपराधी वो पॉकेट मार भी हो सकता है और आगजनी करने वाला भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा वेन डायग्राम देखना है जो दोनों को कवर कर रहा हो, ठीक है, पॉकेट मार को भी और आगजनी वाले को भी। तो ये वाला तो नहीं कवर कर रहा है, ये तो कंप्लीट रिलेशन को शो कर रहा है, ये भी कवर कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी कवर कर रहा है, बट ये भी सम वाली कंडीशन को बता रहा है, तो सम वाली कंडीशन भी नहीं होगी। अब इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा, ये आपको कैसे मतलब पता लगाएं कि राइट इनमें कौन सा आंसर होगा। यहाँ पे देखिए, बी ऑप्शन राइट क्यों नहीं हो सकता है, सबसे पहले इस रीजन को जान लीजिए कि बी राइट आंसर क्यों नहीं हो सकता है। देखिए, दोनों के दोनों आपके अपराधी तो होंगे, पॉकेटमार और आगजनी, बट यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकता है कि पॉकेटमार आगजनी करने वाला भी हो सकता है और आगजनी करने वाला पॉकेटमार भी हो सकता है। तो आपको ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे शो करनी होगी, तो इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा और बी नहीं होगा, ठीक है भाई। एक कंडीशन पे ये भी हो सकता था, बट आगजनी करने वाला और पॉकेट मार कर मतलब दोनों के दोनों सेपरेट मतलब 100% नहीं हो सकते, क्या पता भाई कोई पॉकेट मार भी हो और आगजनी करने वाला भी हो, ठीक है। तो इस वाली इसलिए तो आपका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, इसमें सम वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, ट्राई करिएगा। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो आकृति अनुक्रम पूरा करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रश्न आकृतियों की, तो कुछ इस तरीके से दे रखा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो आप फाइंड आउट करिए, और फिर उत्तर आकृतियों में से नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। देखिए, अगर मैं बात करूँ इस बॉक्स की, ठीक है, ये डार्क सा बॉक्स है, ये यहाँ पर है, और नेक्स्ट वाले में आपको यहाँ पर दिख रहा है, नेक्स्ट वाले में यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ आना चाहिए, ठीक है, तो ये बॉक्स यहाँ पे आएगा।
तो आप एक बॉक्स से भी पूरा क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देख लीजिए चारों आकृतियों में से यहाँ पे कौन सा बॉक्स है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर भी एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं कुछ और भी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये वाला इस तरीके से एल है, ठीक है, पूरा ये 90 डिग्री घूम के ये इस तरीके से आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये वाला पोर्शन नीचे और इस तरीके से। फिर इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, इसको 90 डिग्री करेंगे तो ये खड़ा हो जाएगा और इस तरीके से एल बन जाएगा। फिर इसको अगर मैं घुमा के देखूं तो ये पूरा 90 डिग्री इस तरीके से इसको लेटा देंगे तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कई बार एग्जाम में क्या होता है, आप पता नहीं कौन सा पैटर्न फॉलो करके क्वेश्चन को कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। अब ऑप्शन को हटाते हुए क्वेश्चन को करिए कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑटोमेटिक आप जो राइट आंसर होगा उस पर पहुंच जाएंगे और वो कभी गलत भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो ट्राई करिए इसको भी। इसमें बोला जा रहा है दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृतियों को चुनिए जिसमें पर्सन आकृति निहित है। यहाँ पे आपका एक पर्सन आकृति दी गई है और ये चार उत्तर आकृति दी गई है, आपको बताना है ये वाई का जो साइन है ये इन चारों में से किस में बनता है। ठीक है, तो आप खुद ट्राई करके देखिए। अगर मैं पहले वाले की बात करूँ तो यहाँ पे ये वाला तो बन जाएगा पर बीच में डंडा नहीं आएगा। फिर अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ तो बी ऑप्शन में बिल्कुल साफ साफ सा आपको नज़र आ रहा होगा ये वाली बन रही है, तो मैं आंसर लगा सकता हूँ कि बी है, बट फिर भी हम आगे चेक कर लेते हैं। देखिए सी वाला भी आपका हो सकता था, बट सी में आपका क्या है कि एक साइड बड़ी हो गई है, तो ये वाला इसलिए नहीं हो सकता है। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी आपका पूरा कंप्लीट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे बीच में इसमें डंडा नहीं है। बट यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपका है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सही सही से शो हो रहा है वाई इज़ द राइट आंसर, इस तरीके से बी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसको ट्राई करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा, डायरेक्शन से क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि एकता 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है और फिर उत्तर की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाती है। तो सबसे पहले एकता 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलेगी, तो कौन सी डायरेक्शन होगी भाई, पूर्व डायरेक्शन ये वाली होगी। ठीक है, मान लीजिए एकता ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और 4 किलोमीटर इसमें चली, फिर उत्तर की ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर यहाँ चलने के बाद में 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलेगी, तो ये वाली आपकी लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट क्या लाइन में क्या बोला जा रहा है, बाई ओर घूमती है और 4 किलोमीटर जाती है और एक बार फिर उत्तर की ओर घूमकर 2 किलोमीटर जाती है, यानी कि उसके बाद 10 किलोमीटर चलने के बाद वो 4 किलोमीटर जाती है। ठीक है, बाई ओर घूमकर, तो बाई ओर घूमेगी इसका मतलब वो यहाँ पे फिर बाई ओर घूमने के बाद में 4 किलोमीटर चलेगी और 4 किलोमीटर चलने के बाद में 2 किलोमीटर फिर उत्तर की ओर जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका 2 किलोमीटर फिर उत्तर की तरफ हो जाएगा। देखिए भाई यहाँ पे बोला गया है सब कुछ, कभी आप सोच रहे हो 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है और एक बार फिर उत्तर की ओर घूमकर 2 किलोमीटर जाती है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहीं से आपके कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन से उसने चलने स्टार्ट किया था या किस डायरेक्शन में पहुंच गई है। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जितनी लाइन पढ़ी जाए, ठीक है, उसमें थोड़ा ध्यान रखना है लेफ्ट राइट का, कि किस डायरेक्शन में मुड़ना है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। कई बार क्या होता है कि लेफ्ट की जगह अगर आपने एक भी स्टेप कहीं पे गलत मोड़ दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत है, आप पूरा जो एंड में पहुंचेंगे कंक्लूजन, आप कभी भी राइट पे राइट आंसर पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो कितनी दूरी पर हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया था एकता ने और ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 10 है और ऊपर 2 इसने चलाया, तो 12 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन के क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, बस आप ट्राई करते रहिए और इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग को, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं अभी डेली तो आप इसमें डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है यदि व्रत नगर में रहने वाले, यानी कि जो आपका व्रत है ये नगर में रहने वाले, और वर्ग सिविल कर्मचारी, यानी कि वर्ग आपका सिविल कर्मचारी, आयत पुरुष तथा त्रिभुज शिक्षित। आयत आपका क्या है, पुरुष है, और जो त्रिभुज है आपका वो शिक्षित को दर्शाता हो, तो कितने शिक्षित पुरुष हैं जो नगर में रहने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं इस आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कितने शिक्षित पुरुष हैं
जो नगर में रहने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा भाई, देखिए नगर का कौन सा है, नगर का ये है, और पुरुष का आपका ये है, और शिक्षित का आपका ये है, और ये आपका सिविल कर्मचारी है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने पुरुष शिक्षित हैं जो नगर में नहीं रहते। तो यहाँ पे शिक्षित वाला वेन डायग्राम ये है और दूसरा आपका पुरुष का ये है। तो आप इसमें देख लीजिए कि कितने पुरुष इसके अंडर कवर हो रहे हैं। देखिए अगर मैं इन 11 पुरुषों की बात करूं तो ये ऐसे पुरुष हैं जो शिक्षित भी हैं, पुरुष हैं और नगर में नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो आपका मेरे हिसाब से राइट आंसर यही हो जाएगा, और इससे अलग कोई भी राइट आंसर यहाँ पे नहीं बन सकता। तो इस तरीके के भी कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस की भी मैं साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस कराता रहूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कथन पूर्व धारणाएं कथन निष्कर्ष से, क्वेश्चन नंबर 7 है। ट्राई करिए, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे पूछा जा रहा है अपने वाहन से कार्यस्थल पर जाने वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए नगर परिवहन निगम ने विभिन्न मार्गों पर वातानुकूलित यानी कि एसी बसें शुरू की हैं, जिससे सड़कों पर कम भीड़ होगी। तो यहाँ पे जो वातानुकूलित बसें शुरू की गई है, इसका रीज़न क्या रहा होगा कि सड़कों पे भीड़ ज़्यादा होगी, उसको कम करने के लिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे नगर निगम ने सोचा है, ठीक है। तो पूर्व धारणा क्या कहें, अधिकांश लोग अभी भी अपने वाहन से कार्यस्थल पर जाना पसंद करेंगे। तो ये कभी भी आपका राइट आंसर नहीं बन सकता। रीज़न ये है कि जब नगर परिवहन निगम ने इस डिसीजन को लिया होगा कि वातानुकूल बसें शुरू की जाए ताकि सड़कों पर भीड़ कम हो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसके पीछे लॉजिक रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका कभी भी राइट आंसर नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश लोगों की बात की गई है, तो अधिकांश लोग यहाँ पे राइट नहीं हो सकता है। सेकंड वाला होगा अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बहुत से लोग अब इन बसों का विकल्प चुनेंगे। तो बिल्कुल सही है आपका, ये सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। यही सोचते हुए नगर परिवहन निगम ने वातानुकूलित बसें शुरू की हैं, ठीक है। तो ये सोचते हुए ही की गई है, तो इसका मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बहुत से लोग अब इन बसों का विकल्प चुनेंगे, तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपका क्वेश्चन है मिरर इमेज से, यहाँ पे जल की आपका जो लिखा है इसकी मिरर इमेज आपको बतानी है, जब मिरर आपका ए बी पर रखा होगा इस तरीके से। तो देख लीजिए एक बार, ऑप्शन को भी देख लीजिए। मैंने आपको बस एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे समझा रखी है, बता रखी है कि जब भी आपको वोटर इमेज हो चाहे मिरर इमेज हो करना होता है, तो आपको एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भी मिरर जिस भी डायरेक्शन में रखा होगा, अब यहाँ पे रखा है, जो चीज़ें मिरर के पास में है वो मिरर के पास में रहेगी, और जो दूर है वो दूर ही रहेगी। ठीक है, मिरर यहाँ पे रखा है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ मिरर को, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है JALKI, जल की, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें पास में हैं, तो पास में क्या है, जे है, तो सबसे पहले जे लिखा जाएगा। जे का भी कौन सा पोर्शन पास में, ये वाला पोर्शन पास में है, तो इसी तरीके से मोड़ दीजिए ना आप, ये हो गया। फिर ए की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। एल की मैं बात करूँ तो एल का ये वाला पोर्शन देखिए दूर है, तो आपको ये दूर ही करना है, ठीक है। फिर के भी आपको कुछ इस तरीके से बनाना है, टी आपको ये बन जाएगा। तो देख लीजिए आप यहाँ पे कौन सा राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका JAL, सॉरी ये फिर उल्टा हो गया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसकी मैं बात करूँ, ये भी नहीं होगा, ठीक है, इसमें L इस तरीके से ही हो गया। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ JALKI, तो यानी कि ऑप्शन आपका जो है D राइट आंसर रहेगा भाई, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है, जो जितने भी आपके ये मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल जैसे बताया वैसे करेंगे तो कभी भी हार्ड नहीं लगेंगे और आंसर बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आकृतियों से आपके आते हैं। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे भी इसको हम वैसे ही कर सकते हैं ऑप्शन को बगैर देखे भी। आपको एक ऐसा यहाँ पे फिगर देखनी है जिसमें ये चार लाइनें होंगी, ठीक है। ये कितनी, चार लाइनें होंगी, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। चार लाइनें पहले तो कौन से, मैं इस, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी डायरेक्शन अलग होगी, फिर आपका ऑप्शन सी बचता है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक
ठीक है। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कथन, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। अगर यानी कि यदि वह बुद्धिमान है, अगर वो बुद्धिमान नहीं है तो वो उत्तीर्ण नहीं होगा। यहाँ पे कंडीशन ये बोली जा रही है कि यदि वो बुद्धिमान है तो वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या क्या है? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऊपर अगर कथन में ध्यान से देखा जाए तो यही चीज़ बोली जा रही है, यदि वह बुद्धिमान होगा तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष में भी इसी तरीके से आपको सेटिस्फाई करते हुए कथन को बोला जा रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। तो ऐसा तो कहीं पे नहीं बोला जा रहा कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। यहाँ पे कंडीशन है, यदि वह बुद्धिमान है तो वो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, अदरवाइज नहीं कर लेगा। ये चीज़ छुपी हुई है, ये चीज़ छुपी हुई है। अगर वो बुद्धिमान नहीं है तो नहीं करेगा, वो परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं करेगा। ये चीज़ छुपी हुई है, ये क्वेश्चन में आपको दिख नहीं रही बट ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है। तो वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा तो ये वाली कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अपने सभी व्हाट्सएप जितने भी फेसबुक पे दोस्त हैं उन सभी को जरूर शेयर किया करें। और ये जितने भी मैं आपके लिए कोर्सेज बना रहा हूँ, क्रैश कोर्स RPF SI कॉन्स्टेबल के लिए, इनको जरूर देख लिया करें। इनके सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। तो प्लीज़ वीडियो को देखा करें, शेयर किया करें। जो भी आपके डाउट रहते हो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं टॉपिक स्टडी, वहाँ पर आपको ढेर सारी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपने लाइक शेयर कर दिया, नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो को देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।